हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर वन का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर लास्ट टाइम हम लोगों ने रेगुलर फॉल्सी मेथड सीखी थी, और जिसको हम लोग फॉल्स पोजिशन मेथड नाम से भी जानता है, उसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम दो क्वेश्चन किए थे। तो इस लेक्चर में भी सेम कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो क्वेश्चन मुझे अभी करवाना है, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चंस क्या है? यूजिंग फॉल्स पोजिशन मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन दिया है 3x माइनस कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, लाइंग रूट्स लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन। लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन मतलब इस इक्वेशंस के रूट के ही बारे में बात हुई है, जो कि जीरो और वन के बीच में लाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो इक्वेशन दिया है मैं उसको लिखूंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो लिखा। ठीक है, इक्वल टू जीरो लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन लिखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दो रूट दिए उसमें से एक रूट को, यानी कि पहला जो रूट है उसको मैं नाम दूंगा ए, ए इक्वल टू जीरो लिखा कॉमा, और बी देकर दूसरा वाला रूट लिखा दैट इज़ वन था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ ए यानी कि क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ यानी कि फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जो ये है ना, तो वहाँ पर एक्स की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है मुझे, जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, थ्री ये जीरो माइनस ये कॉस जीरो हो जाएगा, और ये आगे का माइनस वन इज इक्वल टू ये टर्म जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, ये माइनस वन अगेन माइनस वन दैट इज माइनस टू लेस देन जीरो हो गया। इतना हो जाने के बाद एंड एफ ऑफ बी भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये एफ ऑफ बी यानी कि ये एफ ऑफ वन मुझे क्या करना है, अभी एक्स की जगह पे कितना पुट करना है, वन पुट करना है, ये थ्री इंटू वन हो जाएगा, ये माइनस कॉस वन हो जाएगा, ये माइनस वन इज इक्वल टू, अभी दे याद करो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर कॉस, ठीक है, ये फंक्शन मुझे दिया है, इसकी वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है कैलसी पर, तो जो भी हमारा कैलसी का मोड होगा वो किस में होना चाहिए, रेडियन मोड में होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट कैलसी का मोड डिग्री मोड होता है, यहाँ पर छोटा सा डी होता है, लेकिन वो डी हटा कर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, उसको रेडियन मोड में लाना है, और रेडियन मोड के में ला कर ही कैलकुलेशन करना है। अगर ये रेडियन मोड में हम लोग लाते नहीं है और कैलकुलेशन करते हैं, तो भले हमारे स्टेप सब कुछ सही हो, लेकिन हमारा फाइनल आंसर रॉन्ग होगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है फंक्शन के अंदर और कैलसी पे हमें कैलकुलेट करना है वो वाला इक्वेशंस, तो हम लोग कैलसी का मोड हमेशा रेडियन मोड में ही रखेंगे। तो ये थ्री इंटू वन वन हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा कैलसी का मोड रेडियन मोड है, थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा, वो लिखा मैंने थ्री माइनस कॉस वन किया और ये माइनस वन, ठीक है, तो इतना करने पर आंसर कितना मिला, 1.4596। तो फोर्थ डिजिट तक मुझे लिखना है डेसिमल पॉइंट के बाद, और चौथा वाला डिजिट राउंड अप भी करना है, तो ये क्या क्या लिखना होगा मुझे, 1.4597, 1.4597, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अभी देखो पहला रूट जीरो कंसिडर करने पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो हुई, और दूसरा रूट वन कंसिडर करने पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई। ये प्लस और माइनस ऐसा आ रहा है ना, जीरो से प्लस और जीरो से लेस है, तो इसका अंदर क्या, इसका मतलब क्या कंसिडर होता है, therefore f of x has a root between 0 and 1, ऐसा हो जाता है। देखो जीरो के लिए लेस देन जीरो रूट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, और वन इस रूट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो रही थी, इसका मतलब f of has a root between 0 and 1। इसके बाद हम लोग फर्स्ट इटरेशन निकालेंगे, therefore लिखा फर्स्ट इटरेशन लिखूंगा मैं, इटरेशन फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला देखो, लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने लिखा था यही बेसिक फॉर्मूला है लैप रेगुलर फॉल्सी मेथड के अंदर। फर्स्ट इटरेशन मेथड होगी एक्स वन इज इक्वल टू, एक्स वन स्टैंड फॉर फर्स्ट इटरेशन, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए लिखा, अपॉन में क्या करना है मुझे, एफ ऑफ बी माइनस क्या करना है, एफ ऑफ ए करना है। ठीक है, तो एक्स वन वापस लिखा, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी ली थी हमने, यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो थी ना, तो यहाँ पर पहले सेंटर लाइन डाल देता हूँ, ए की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी कितना था देखो, यहाँ पर एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ वन था ना, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1.4597, ये डायरेक्ट लिख दिया माइनस, बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू वन थी, तो यहाँ पर वन किया, वन इंटू एफ ऑफ ए करना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, एफ ऑफ ए की वैल्यू माइनस टू थी ना, यहाँ पर फिर ब्रैकेट में माइनस टू किया, और नीचे क्या करना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करना है, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 1.4597 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू दैट इज़ कितनी आई थी, माइनस टू आई थी। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखो इसको कैलकुलेट कैलसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाती है,
कैलसीपी कैलकुलेट करने पर इसका आंसर कितना आ जाता है, देखो 0.57808 है ना, तो 4 डेसिमल प्लेस तक लिखूंगा डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 0.5781 लिखना होगा, चौथा वाला डिजिट राउंड अप करने पर 0.5781, 5781 लिखा, ठीक है। ये मेरा क्या मिला, फर्स्ट रूट मिला x1। अभी इसी रूट के ऊपर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, देयर फोर एफ ऑफ क्या किया हमने, x1 किया इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, यानी कि क्या, एफ ऑफ 0.5781 कर दिया, इज इक्वल टू फंक्शन में ये वैल्यू पुट करके हम लोग x की जगह पे x1 की वैल्यू पुट करोगे, दैट इज 3 × 0.5781 माइनस कॉस ऑफ सेम नंबर लिखना है 0.5781, और ये माइनस वन था ना फंक्शन में आगे, तो अभी इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आ जाता है। देखो ये वैल्यू एक्स की जगह पे 0.5781 लेने के बाद फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे, 0.1032 मिल रही है, कितनी, माइनस में, माइनस 0.1032, तो माइनस में मिली 0.1032। माइनस होने के कारण ये कैसा हो रहा है, ये लेस देन जीरो ही रहेगा ना, तो यहाँ पे लिखा लेस देन जीरो। देखो लास्ट लाइन इसके पहले मैंने क्या लिखी थी, फर्स्ट स्टेज के ऊपर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 0 एंड 1, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 0 इस रूट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसी आई थी, नेगेटिव आई थी, और 1 इस रूट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई थी। लास्ट लाइन जब मुझे पहला रूट मिला, क्या मिला, पहला रूट x1 मिला 0.5781, उसके ऊपर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ वो कितनी आई, लेस देन 0 आई थी ना, तो ये जो रूट है अभी 0.5781 वो किसको किसको ओवरकम करेगा, वो किसको रिप्लेस करेगा, इस 0 वाले रूट को रिप्लेस करेगा, क्यों, क्योंकि 0 रूट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो रही थी ना, माइनस टू लेस देन 0। लेकिन अभी ये जो x1 रूट आया 0.5781, इस रूट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसे हो रही है, निगेटिव हो रही है, इसके कारण 0.5781 ये रूट किसको रिप्लेस करेगा, 0 इस 0 वाले रूट को रिप्लेस करेगा, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा, देयरफोर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन बिटवीन 0 को रिप्लेस किया किस वैल्यू ने, 0.5781 उस इस वैल्यू से, और एंड वन आगे का एंड वन एज इट इज रहेगा, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 0.5781 एंड वन। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, सेकेंड इटरेशन में जाना है। देखो पहले केस में भी ऐसा लिखा था ना, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 0 एंड 1, क्यों 0 एंड 1, क्योंकि 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 हुई, और 1 इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 0 एंड 1। फिर बाद फॉर्मूला यूज़ करके हम लोगों ने फर्स्ट इटरेशन निकाला, फर्स्ट इटरेशन लाने के बाद फंक्शन की वैल्यू चेक कैलकुलेट करते हैं तो कैसे आ रही हो, लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब ये जो रूट आया है अभी का लेटेस्ट, वो पहले वाले फंक्शन की वैल्यू जहाँ पर निगेटिव दे रही थी वो उस वाले रूट को रिप्लेस करेगा, तो इसके लिए हम लोगों ने लास्ट में की लाइन क्या लिखा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 0.5781 एंड 1 लिखा। इसके बाद को क्या करते हैं, हमें सेकेंड इटरेशन करना है, तो वो वाली स्टेप लिखूंगा मैं फिर अभी, दैट इज फॉर सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में क्या पता चला, ये वैल्यू, ये रूट किससे रिप्लेस हो गया, x1 से रिप्लेस करना है ना हमें, तो देयरफॉर सेकेंड इटरेशन में यहाँ पे x2 लिखूंगा, ए यानी कि ए रिप्लेस बाय x1 हो गया, यहाँ पर एफ ऑफ बी एज इट इज़, माइनस यहाँ पर क्या था बी एज इट इज़, और यहाँ पे एफ ऑफ ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ x1 लिखेंगे, अपॉन में चेंजेस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी, और यहाँ पे एफ ऑफ ए लिखा था ना पहले, लेकिन एफ ऑफ ए की जगह पे क्या आएगा अभी, एफ ऑफ x1 आ जाएगा। देयरफॉर ये सेकेंड रूट की वैल्यू है x2 इज इक्वल टू x1 कितना आता है, x1 देखो x1 कितना, 0.5781 था ना, तो x1 की वैल्यू 0.5781 लिखा, एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इनटू दूसरे ब्रैकेट में एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आती है, देखो एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी, ये 1.4597 थी ना, तो वो वैल्यू लिखूंगा मैं 1.4597, ठीक है, इतना लिखा, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, इनटू एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन वैल्यू देखो यहाँ से कितनी थी, माइनस 0.1032, ब्रैकेट में माइनस 0.1032, अपॉन का लाइन डाला, अपॉन का लाइन लिखने के बाद क्या लिखना है, एफ ऑफ बी दैट इज 1.4597 माइनस एफ ऑफ एक्स वन दैट इज माइनस 0.1032, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं एक्स टू की वैल्यू कितनी आ जाती है, देयर फोर x2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलसीपी कितनी आती है, देखो 0.6059 है ना, वो 0.60595 है, 4 डिजिट तक लिखना है, तो इसका मतलब कितना लिखूंगा, अगर ये राउंड अप कर दे तो कितना हो जाएगा, 0.6006 हो जाएगा, 0.606, ठीक है, वापस 6 से राउंड अप किया मैंने,
तो ये एक्स टू की वैल्यू आई, सेकंड रूट आया। इस एक्स टू के ऊपर वैल्यू के ऊपर मैं फंक्शन की वैल्यू फिर से निकाल के देखता हूँ तो कितना आता है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स टू दैट इज़ एफ ऑफ 0.606 लिखा इज इक्वल टू 3 × 0.606 माइनस कॉस ऑफ 0.606 और ये माइनस वन। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर देखते हैं कितना आंसर आता है। देखो इसको कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आया, देखो हमारा माइनस माइनस में दिख रहा है ना, माइनस माइनस लिखा और डेसिमल पॉइंट कितना है, 10⁻³ दिख रहा है, यानी कि 0.000 फिर 3 आएगा विच इज़ लेस देन 0 है ना माइनस होने के कारण। देखो 3.93 लास्ट में क्या लिखा है, 10⁻³। इसका मतलब इस पॉइंट के आगे डेसिमल प्लेसेस कितना पीछे रहेगा, 3 डिजिट पीछे रहेगा क्योंकि 10⁻³। तो -0.0003 लिखा विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू किस रूट के ऊपर लेस देन 0 आई, 0.606 इस रूट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 आई। तो पहले के केस में हम लोगों ने बिफोर सेकेंड इटरेशन लास्ट टाइम क्या लिखा था, सेकेंड इटरेशन के ऊपर क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 0.5781 एंड 1, जिसमें से 0.5781 की वैल्यू फंक्शन में पुट करने पर कितनी आ रही थी, फंक्शन लेस देन 0 आ रहा था। लेकिन उसके बाद अभी ये लेटेस्ट रूट की एक्स टू की वैल्यू कितनी आई, 0.606। ये वैल्यू फंक्शन में पुट करने के बाद फंक्शन कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब मैं मुझे ये वाला प्रीवियस वाला रूट को मुझे क्या करना होगा, रिप्लेस, ये रूट किससे रिप्लेस हो जाएगा, 0.606 इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन बिटवीन 0.606 एंड 1 लिखा, ये 0.606 एंड 1 लिखा। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट अगेन इटरेशन होगा, थर्ड इटरेशन, देयरफॉर थर्ड इटरेशन किया, थर्ड इटरेशन इटरेशन ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने किसको रिप्लेस किया, इसके पहले क्या था, 0.5781 था ना ये, तो उसको रिप्लेस किया। और ये वैल्यू किसके लिए, लेफ्ट वाली वैल्यू किसके लिए स्टैंड करती थी, ए के लिए स्टैंड करती थी। तो इसका मतलब ए रिप्लेस बाय एक्स वन हुआ, अभी क्या हो रहा है, एक्स वन रिप्लेस बाय क्या हो रहा है, एक्स टू हो रहा है, राइट। तो अब थर्ड इटरेशन कैसा होगा, एक्स थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पर ए था, ए रिप्लेस बाय एक्स वन हो गया, अभी एक्स वन रिप्लेस बाय एक्स टू हो रहा था, यानी कि एक्स टू ये एफ ऑफ बी एज इट इज़ लिखना है मुझे, माइनस बी लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स टू लिखना है, अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स टू लिखेंगे। इतना क्लियर हो रहा है। अभी एक्स थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बिफोर दैट एक्स ये जो राइट साइड में टर्म्स है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। एक्स टू कितना है, 0.606 एक ब्रैकेट में लिखा, इनटू एफ ऑफ बी कितना आया था, एफ ऑफ बी देखो ऊपर से एफ ऑफ बी फर्स्ट इक्वेशन में हमने निकाला है ना एफ ऑफ बी ऑलरेडी, उसकी वैल्यू कितनी थी, 1.4597 ठीक है, माइनस बी की वैल्यू 1 थी, इंटू एफ ऑफ एक्स टू ऊपर लिखा है, एफ ऑफ एक्स टू कितना आया था ब्रैकेट में, -0.0003 लिखा ठीक है, अपॉन में ये सेंटर लाइन डाल दिया, यहाँ पे 1.4597 लिखा माइनस, और इसकी वैल्यू दैट इज़ एफ ऑफ एक्स टू की 0.0003 लिखा। इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं एक्स थ्री कितना आ रहा है ठीक है। इतना सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा है हमारा, 0.606 ही आ रहा है, 0.606। अगर चार डिजिट तक लिखना है तो चौथा डिजिट में राउंड अप करके लिख सकता हूँ कितना आ रहा है इस केस में, 0.606, और ये 0 के बाद 8 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ ठीक है। इतना लिखा हुआ समझा। तो हमें उन्होंने पूछा नहीं कि कब कितने इटरेशन करने हैं, ये भी नहीं पता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक लिखना है, तो कितना इटरेशन करना ये भी पता नहीं है, और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक लिखना ये भी पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट इक्वल आने तक या फिर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट इक्वल आने तक इटरेशन करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स थ्री में वैल्यू कितनी आई मेरी, 0.606 आई है, और एक्स टू में रूट की वैल्यू कितनी आई थी, 0.606 आई थी। इसका मतलब ये क्वेश्चन 3 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी तक राइट हो रहा है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय लास्ट टू इटरेशन, डायरेक्टली इतना लिखूंगा मैं, बाय लास्ट टू इटरेशंस इटरेशन वी गेट एक्स इज इक्वल टू कितना मिला, 0.6061, लास्ट वाला ही रूट लिख देना है आप लोगों को ठीक है। बाय लास्ट टू इटरेशन वी गेट एक्स इज इक्वल टू 0.6061 विच इज करेक्ट अप टू करेक्ट
अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या हो रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सेम होने तक ये आंसर एक्यूरेट आ रहा है ना हमारा, तो इसका मतलब वही हो रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप लोग क्या करो, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट से भी सेम आए तो भी चलेगा, या फिर 3 डिजिट तक सेम लाया तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है रेगुलर फॉल्स इस मेथड के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, यूजिंग फॉल्स पोजिशन मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दिया एक्स लॉग एक्स टू द बेस 10 माइनस 1.2 इक्वल टू 0 लाइंग बिटवीन 2 एंड 3। फॉल्स पोजिशन मेथड से करना है तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एफ ऑफ एक्स। देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स टू द बेस 10 माइनस 1.2। ठीक है, एंड जो दो रूट दिए जिनके बीच में इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का रूट लाइज कर रहा है, तो उसमें से एक रूट को, लेफ्ट साइड वाले को हम लोग नाम देंगे ए। हियर ए इज इक्वल टू कितना कंसिडर किया, 2 कंसिडर किया, एंड बी इज इक्वल टू कितना कंसिडर किया, 3 कंसिडर किया। इतना हो जाने के बाद मुझे क्या निकालना होता है, एफ ऑफ ए दैट इज़ एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी होगी, सिमिलरली एफ ऑफ बी दैट इज़ एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी होगी। वो करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, देयर फोर एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 लॉग 2 टू द बेस 10 माइनस 1.2 इज इक्वल टू। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आती है कैलसी पे चेक कर लेता हूँ, ये माइनस 1.2 है, माइनस 1.2। ठीक है, ये वैल्यू कैलसी पे कितनी आती है चेक कर लेते हैं, इसका आंसर कैलसी पे आता है -0.5979। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखेंगे हम लोग और चौथा वाला डिजिट राउंड अप किया जाएगा, तो -0.5979 माइनस है तो यानी कि लेस देन 0 हो गया ना वो। ठीक है, इसके बाद एंड लिखकर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट एफ ऑफ बी, एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 लॉग 3 टू द बेस 10 माइनस 1.2 इज इक्वल टू। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर देखते हैं कितना आता है, ये इसका आंसर मिलता है हमें 0.23136 है, तो ये 4 डिजिट तक लिखना है डेसिमल पॉइंट के बाद और चौथा वाला डिजिट राउंड अप करूँगा, तो 0.2314 आएगा, 0.2314 लिखा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एक रूट टू लेने पर फंक्शन की वैल्यू कैसे आई, लेस देन 0 आई, और दूसरा रूट 3 लेने पर फंक्शन की वैल्यू कैसे आई, ग्रेटर देन 0 आई। इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर फोर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 2 एंड 3। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें फर्स्ट इटरेशन की स्टेप करनी है, देयर फोर फर्स्ट इटरेशन लिखेंगे, देयर फोर फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ये अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देयर फोर एक्स वन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स वन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी, 2 थी ना यहाँ पर दिख रहा है, तो ए की जगह पर 2 पुट किया इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू, देखो एफ ऑफ बी कितना है यानी कि एफ ऑफ 3 कितना है, 0.2314 इंटू 0.2314 लिखा, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, 3 इंटू ब्रैकेट में एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 0.5979 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये सेंटर वाला अपॉन का लाइन। यहाँ पर क्या लिखना है, नीचे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखना है, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू 0.2314 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू माइनस 0.5979। ठीक है, इतना कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं एक्स वन रूट की वैल्यू कितनी आती है। देखो इतना कैलकुलेट करने पर एक्स वन रूट कितना आया, 2.720969। तो साथ चौथा डिजिट अगर राउंड अप करते हो तो क्या हो जाएगा, 2.720969 को अगर राउंड अप करो तो 10 हो जाएगा, 2.72 इतना लिखा। ठीक है, ये पहला रूट है। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स वन निकालना होगा, देयर फोर एफ ऑफ एक्स वन यानी कि कितना, एफ ऑफ 2.7210। ठीक है, फंक्शन क्या था, 2.7210 लॉग टू द बेस 10
2.7210 माइनस 1.2, ये फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है चेक कर लेते हैं। तो 2.7210 ये रूट पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 0.017 आ रही है, माइनस 0.0171 ये वैल्यू आई। ये माइनस आने के कारण ये वैल्यू कैसे होगी, लेस देन जीरो होगी ना। अभी देखो फर्स्ट इटरेशन के पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 2 एंड 3, इसमें से कौन सा रूट डिस्कार्ड होना चाहिए, ऐसा रूट डिस्कार्ड होना चाहिए जिस रूट की वैल्यू फंक्शन में पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो देखो एफ ऑफ टू पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही थी, अभी फर्स्ट इटरेशन से रूट क्या मिला, एक्स वन रूट क्या मिला, 2.7210 मिला। ये वैल्यू फंक्शन में पुट करने पर मुझे फंक्शन की वैल्यू कैसे आ रही है, निगेटिव आ रही है। इसका मतलब प्रीवियस वाला रूट जो फंक्शन की वैल्यू निगेटिव दे रहा था उसको मुझे रिप्लेस करना होगा किस रूट से, 2.7210 इस रूट से। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज अ रूट बिटवीन 2.7210 एंड 3 होगा। ठीक है, इतना समझा। इतना लिखने के बाद हमें कौन सी स्टेप करनी होती है, नाउ टू फाइंड सेकेंड इटरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेकेंड इटरेशन। हमें यहाँ से पता चला कि हम लोगों ने कौन सा रूट रिप्लेस किया, ए वाला रूट रिप्लेस किया, बाय विच रूट, एक्स वन रूट। तो फॉर्मूले में चेंजेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखो नेक्स्ट इटरेशन करो तो ये एक्स वन की जगह पे एक्स टू लिखा, और यहाँ पर ए रिप्लेस बाय क्या किया, एक्स वन किया, तो ये ए की जगह पे आएगा एक्स वन। एक्स वन बाकी के टर्म्स विल बी एज इट इज, एक्स वन के बाद एफ ऑफ बी माइनस बी लिखना है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ ए की जगह पे क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स वन लिखना है, अपॉन में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स वन आएगा। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद वैल्यू सबमिट करेंगे राइट साइड में टू गेट एक्स टू। एक्स वन की वैल्यू कितनी थी, 2.7210, तो एक्स वन की वैल्यू 2.7210 इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू, एफ ऑफ बी की वैल्यू देखो, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी, 0.2314 थी ना, तो वो आएगी 0.2314 एफ ऑफ बी की वैल्यू लिखी, माइनस एफ ऑफ बी की वैल्यू क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो शुरुआत में भी लिखी थी 0.2314 लिखी थी, माइनस माइनस लिखने के बाद क्या, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू देखो ये इधर ही लिखी हुई है, माइनस 0.0171 माइनस 0.0171 ब्रैकेट, और ये अपॉन का सेंटर लाइन होगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स वन, दैट इज एफ ऑफ बी 0.2314 माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.0171। इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं आंसर कितना आता है। यहाँ से हमें एक्स टू की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2.7401 मिल रही है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है ना, तो इसका मतलब 2.7401, और ये वन राउंड अप हो जाता है बाय टू लिखकर, यानी कि क्या हो जाएगा, 2.7402, ये हो गई हमारी एक्स टू की वैल्यू। ये एक्स टू की वैल्यू अगर मैं फिर से एफ फंक्शन में पुट करते जाऊँ तो एफ ऑफ एक्स टू यानी कि क्या लिखना होगा, एफ ऑफ 2.7402 इतना लिखा, इज इक्वल टू फंक्शन क्या था, एक्स लॉग एक्स टू द बेस 10 था ना, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 2.7402 लॉग टू द बेस 10, 2.7402 माइनस 1.2। देखते हैं ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर किस क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है कि लेस देन जीरो होता है। देखो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स टू एक्स 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 टू इज इक्वल 2.7402 पुट करने पर माई फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, -3.89 89, और 10 to the power -4, यानी कि क्या लिखना होगा मुझे, यहाँ पर माइनस है तो -0.123, और उसके बाद यहाँ पर 3 पुट करना है। ठीक है, आया सर, क्योंकि 3 4 है ना, 10 to the power कितना है, -4 है, तो इसके बाद डेसिमल पॉइंट होने वाला है, और ये क्या आगे का 8 9 वो भी लिख दिया। चलो इतना रूट होया, तो माइनस होने के कारण ये वैल्यू कैसी होगी, लेस देन जीरो होगी। इतना समझ में आया, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, कौन से रूट को रिप्लेस करना होगा। सेकेंड इटरेशन के ऊपर क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 2.7210 एंड 3, जिसमें से 2.7210 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसे हो रही थी, देखो एक्स वन इक्वल टू 2.7210 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो हो रही थी, लेकिन उसके बाद हम लोग जो दूसरा रूट निकाला है एक्स टू, और एक्स टू इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसी हो रही है, लेस देन जीरो हो रही है। इसका मतलब अभी मुझे किस रूट को रिप्लेस करना होगा, एक्स वन रूट को रिप्लेस करना होगा, यहाँ से ये जो एक्स वन रूट था ना, इस एक्स वन रूट को रिप्लेस करना होगा बाय एक्स टू रूट। समझ में आया, तो उसके कारण मुझे हमें क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ
रूट बिटवीन बिटवीन एक्स टू आया हुआ रूट कितना था, 2.7402, 2.7402 एंड 3। इसके बाद थर्ड इटरेशन करना होगा, देयर फोर थर्ड इटरेशन में हम लोग एक्स थ्री कैलकुलेट करेंगे। एक्स थ्री कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ था, ए की वैल्यू ए थी, सेकेंड इटरेशन में ए रिप्लेस बाय एक्स वन हो गया। अभी थर्ड इटरेशन में क्या हो रहा है, एक्स वन रिप्लेस बाय एक्स टू हो रहा है। तो यहाँ पर एक्स टू ये एफ ऑफ बी एज इट इज़ माइनस ये बी एज इट इज़, यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स टू अपॉन में क्या आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम लोग एक्स थ्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स थ्री इज इक्वल टू, एक्स टू कितना था 2.7402, एक ब्रैकेट में लिखा। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई थी, एफ ऑफ बी की वैल्यू 0.2314, 0.2314 आई हुई थी। बी की वैल्यू 3 इन टू ये कितना था माइनस में 0.10⁻⁴ था ना, तो यहाँ पे कितना लिखना होगा, 4 0 लिखने हो गए पहले, तो ये 3 0 लिखे, उसके बाद 3 था, सॉरी 3, और यहाँ पर 8 लिखा था, 8 इतना भी बस हो गया। अपॉन में या अपॉन का ये सेंटर लाइन लिखा, अपॉन में क्या आएगा एफ ओ पी माइनस एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो यानी कि 0.2314 माइनस ऑफ माइनस सेम नंबर ये ऊपर का 1 2 3 0, उसके आगे लिखा 3 8 लिख दिया। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। या अभी ये एक्स थ्री की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। एक्स थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करने पर कितना आता है वो चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमें एक्स थ्री की वैल्यू मिल जाती है 2.7406, 2.7406। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा। इसके आगे मुझे एफ ऑफ एक्स थ्री करने की ज़रूरत थी, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो लास्ट टू इटरेशन में हमें वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल मिल रही है। यहाँ पर एक्स थ्री कितना मिला, 2.7406 मिला था, और एक्स टू कितना मिला था, 2.740 मिला था, 02 मिला था, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक के आंसर हमारा सेम हो रहा है ना, तो इसके कारण मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयर फॉर बाय लास्ट टू इटरेशन, बाय लास्ट टू इटरेशन इटरेशंस वी गेट, डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू 2.7406 विच इज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर उन्होंने पूछा नहीं है कितने डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी चाहिए, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी रख सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से 3 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी रख सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितने इटरेशन करने हैं, तो ये आपको कहाँ तक रुकना है, तो उसके लिए रुकने के लिए ये क्राइटेरिया रहेगा। भले आपको दूसरे स्टेप में पहले इटरेशन का जैसा आंसर मैच हो जाए, तो आगे अपने को थर्ड स्टेप पर इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है इस 4 सम के साथ साथ, यानी कि पिछले लेक्चर में भी मैंने 2 सम लिए और इस लेक्चर में भी 2 सम लिए, तो यहाँ पर हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड कंप्लीट हो जाता है, या फिर जिसको हम लोग फॉल्स पोजिशन मेथड भी कहते हैं, ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इस लेक्चर में अभी मैं सिर्फ न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। न्यूटन रैप्सन मेथड इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सम्स करेंगे, प्रैक्टिस सम करेंगे। तो ये वहाँ पर सिर्फ न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा के दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला इस तरीके से, उसका न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला इस तरीके से मैंने सामने लिखा है। न्यूटन रैप्सन मेथड एक्स सब्सक्रिप्ट में लिखा है, एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन, या एन थोड़ा सा कोने में नीचे लिखा है, उसको सब्सक्रिप्ट कहते हैं उस पोजिशन को, माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग टेक्स टाइम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर यहाँ पर इस लेक्चर में आपको आपको किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम सब में डाउट है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। वीडियो तो आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।